दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज था LIC WO का पेपर। तो हम इस वीडियो में करेंगे 4 मई 2019, यानी कि आज के जितनी भी शिफ्टें हुई हैं, यानी कि आज के पेपर की 4 शिफ्ट थी, तो चारों शिफ्टों के एग्ज़ाम रिव्यू और एनालिसिस कि चारों क्वेश्चंस में मैथमेटिक्स, रीजनिंग और इंग्लिश के कौन कौन से चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चंस को लगातार पूछा जा रहा है। जिनका एग्ज़ाम हो गया उनको तो गुड लक, लेकिन जिनका एग्ज़ाम आगे आने वाला है वो कौन कौन से टॉपिक्स पर ज़्यादा फोकस करें और कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ के जाएं, इसके बारे में चर्चा करेंगे हम इस वीडियो में। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन, आप देख रहे हैं स्टडी स्किल सक्सेस। चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट शिफ्ट के मैथमेटिक्स के पेपर की। जो आपका फर्स्ट शिफ्ट हुआ था उसके मैथमेटिक्स पेपर में आपके 5 क्वेश्चन जो पूछे गए वो अप्रोक्स से पूछे गए हैं। 5 क्वेश्चन किससे पूछे गए हैं? 5 क्वेश्चन आपके अप्रोक्स से पूछे गए हैं। उसके बाद बात करें तो 5 क्वेश्चन आपके रॉन्ग सीरीज से पूछे गए हैं, 10 क्वेश्चन आपके DI से पूछे गए हैं और 15 क्वेश्चन आपके अर्थमेटिक्स से पूछे गए हैं। एक बार फिर से बता देता हूँ, 5 क्वेश्चन आपके अप्रोक्स से, 5 क्वेश्चन रॉन्ग सीरीज से, 10 क्वेश्चन आपके DI से और 15 क्वेश्चन आपके अर्थमेटिक्स से पूछे गए। नेक्स्ट, सेकेंड शिफ्ट में मैथमेटिक्स की बात करें तो पूरा पैटर्न इसमें चेंज हुआ था। इसमें आपके 5 क्वेश्चन जो है वो क्वाड्रेट से पूछे गए, 5 क्वेश्चन आपके रॉन्ग सीरीज से पूछे गए, 4 से 5 क्वेश्चन डाटा सफिशिएंसी, या फिर कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि 4 से 5 क्वेश्चन Q1 Q2 से पूछे गए, 15 क्वेश्चन इसमें आपके DI से पूछे गए और 5 क्वेश्चन अर्थमेटिक्स से पूछे गए। ये रहा आपका सेकेंड शिफ्ट का मैथमेटिक्स का पेपर। उसके बाद देख लेते थर्ड शिफ्ट। तो थर्ड शिफ्ट में मैथमेटिक्स में 15 क्वेश्चन आपके कैलकुलेट से और DI से पूछे गए, 10 क्वेश्चन आपके DI से पाई चार्ट से पूछे गए, 5 क्वेश्चन आपके मिसिंग सीरीज से पूछे गए, 5 क्वेश्चन आपके किससे पूछे गए? मिसिंग सीरीज से, और 5 क्वेश्चन क्वाड्रेंट से, 5 क्वेश्चन DS से, ये DI था तो DS से भी पूछे गए डाटा सफिशिएंसी, और 5 क्वेश्चन आपके अर्थमेटिक्स के पूछे गए। तो ये आपका मैथमेटिक्स का पेपर रहा था तीनों शिफ्टों का। चौथी शिफ्ट के स्टूडेंट्स के क्वेश्चन हमें नहीं प्राप्त हुए हैं तो उनका हम अंदाज़ा नहीं लगा पाए, लेकिन इन तीनों शिफ्टों के एवरेज में देखें तो बार बार जो चैप्टर्स हैं मैथमेटिक्स के वो रिपीट हो रहे हैं। तो आपको क्या करना है, जिनका भी आगे एग्ज़ाम है इन्हीं चैप्टर्स पे ज़्यादा फोकस करना है, इन्हीं चैप्टर्स को पढ़ के जाना है। आप फर्स्ट सेकंड शिफ्ट तीनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको जो आगे आप जो चैप्टर पढ़ें तब आपको आसानी हो, आपको पता रहे कि किस शिफ्ट में कितने कितने क्वेश्चन जो है किस किस चैप्टर से पूछे गए हैं। ये सेकेंड शिफ्ट आपका, और यह है आपका थर्ड शिफ्ट। अब बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग का आपने ऑल शिफ्ट देख लेते हैं कि ऑल शिफ्ट में अप्रोक्सीमेटली जो एवरेज है वो कौन कौन से क्वेश्चन से पूछे गए। 20 क्वेश्चन आपके हर शिफ्ट में कॉम्बिनेशन ऑफ सीटिंग एंड पजल, सीटिंग और पजल को मिलाकर 20 क्वेश्चन आपके हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। तो इसको तो आपने मतलब पूरा घोट के जाना है, कॉम्बिनेशन और सीटिंग और पजल को, इसमें से क्वेश्चंस आपके हर शिफ्ट में देखने को मिल रहे हैं। वो भी किससे? सीटिंग में भी किससे? सर्कुलर अरेंजमेंट से। सर्कुलर अरेंजमेंट को ज़्यादा फोकस करना है, सर्कुलर अरेंजमेंट से क्वेश्चंस जो है आपके पूछे जा रहे हैं। उसके बाद बात करें तो 10 क्वेश्चंस आपके सिलोलिज्म्स प्लस इनक्वालिटी, सिलोलिज्म्स प्लस इनक्वालिटी से पूछे जा रहे हैं, और 3 क्वेश्चन आपके ब्लड के और डायरेक्शन के, यानी कि इसका मैटर क्या है कि जिसमें ब्लड के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उसमें डायरेक्शन के क्वेश्चंस नहीं आ रहे, लेकिन जिसमें आपके डायरेक्शन के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उसमें आपके ब्लड के क्वेश्चंस जो है वो नहीं आ रहे। ये थोड़ा मैटर चल रहा है। 1 क्वेश्चन आपका कोडिंग डिकोडिंग और 1 क्वेश्चन आपका पेयर से पूछा जा रहा है। टोटल आपके हो गए इसके 40 क्वेश्चन रीजनिंग के। एक बात मैं आपको बता दूँ कि इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग जो है वो नहीं है। बहुत से बच्चों का क्वेश्चन रहता है कि सर इसमें नेगेटिव मार्किंग है या फिर नहीं है, तो मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूँ कि इसमें नेगेटिव मार्किंग आपको नहीं मिलेगी। आप निश्चिंत होकर अपना क्वेश्चन पेपर जो है पूरा हल कर सकते हैं क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं है। ये रहे रीजनिंग के 40 क्वेश्चन जिस चैप्टर से पूछे गए। आगे बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश में ऑल शिफ्ट देख लेते हैं कि कौन कौन से चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। इंग्लिश में आपके 5 से 6 क्वेश्चन जो है वो RC से पूछे गए हैं, 5 क्वेश्चन आपके क्लॉज टेस्ट से पूछे गए हैं, एरर के क्वेश्चन आ रहे हैं, हमें पूरा पता नहीं लगा कि एरर के क्वेश्चन कितने पूछे जा रहे हैं, तो एरर के कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं।
पांच क्वेश्चन आपके रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस से पूछे गए हैं, जैसे कि आपके पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं सेंटेंस, उनको आपको अरेंज करना होता है। तो इससे पांच क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं और पांच क्वेश्चन आपके सिंगल फिलर से पूछे जा रहे हैं। तो ये आपका ऑल शिफ्ट का इंग्लिश का पेपर है। इन इन चैप्टर से जो क्वेश्चंस है वो पूछे जा रहे हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इंग्लिश के और रीजनिंग का भी ले सकते हैं। रीजनिंग में कौन कौन से शिफ्ट से कौन कौन से क्वेश्चंस जो है वो पूछे जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, जिनका पेपर हो गया उनका ठीक है, लेकिन जिन स्टूडेंट्स का आगे क्वेश्चन, आगे जो पेपर वह है वो होने वाला है, तो वो इन चैप्टर्स पर ज़्यादा फोकस रखे, इन्हीं चैप्टर्स को बार बार कंटिन्यू करके और रिविज़न करें, क्योंकि इन्हीं चैप्टर से बार बार क्वेश्चन जो है पूछे जा रहे हैं। आगे की ऐसे ही एग्जाम एनालिसिस की वीडियो या फिर अन्य कोई भी एग्जाम, ऑल इंडिया एग्जाम्स की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको न्यू वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो जल्द से जल्द मिल सके। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड लक एंड हैव ए नाइस डे।